Akash Shah from this side. So, and welcome to my channel English Hindi with Akash. So, ये जो डिसीजन मैंने लिया है कुछ बड़ा करने का, फ्री में करने का, वो बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। वीडियो रूटीन में अभी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जो है एच एस 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले, मीन्स जिनका 11 का एग्ज़ाम, जिनका 11 का एग्ज़ाम अभी रुका हुआ है, तो वो अपना एच एस का प्रिपरेशन शुरू कर दे। क्यों शुरू कर दे, मैं बता रहा हूँ क्यों। सपोज नहीं, देखिए हर साल जो है अप्रैल में 12th का आपका पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बोलते हैं एक साल मिला है, एक साल नहीं मिलता है। आप देख सकते हो जनवरी तक जो है 10 मंथ ही मिलता है, और फरवरी जो बचता है तो कभी कभी फरवरी के लास्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाता है 12th का, या फिर आपका जो है फरवरी का महीना में आप टेस्ट देते हो, रिविजन करते हो, तो लास्ट मंथ में ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं जाता है। तो इस बार जो ये लॉकडाउन की वजह से तो पहले एग्ज़ाम ही रुक चुका है, उसके बाद जो है लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम रुक चुका है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट भी रुक चुका है। बट एच एस 2021 जो होगा वो मार्च में होगा, ये समझ लो। तो अब आप यहाँ पर आप टाइम से देख लो तो आपका अप्रैल जो है ख़त्म हो गया, मई में भी लॉकडाउन नहीं होगा, जून को भी मान लो ख़त्म, तो 3 मंथ तक आपका पढ़ाई रुक जाएगा। मींस आप कोचिंग स्कूल कहीं नहीं जा पाओगे। स्कूल कोचिंग तो 10 जून तक के लिए क्लोज कर दी ही दिया गया है, पता ही है। एंड कोरोना वायरस के केस जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपका जो 3 मंथ तक का जो है क्लास नहीं होगा। तो आप 3 मंथ में समझ रहे हो, 90 दिन आप, और 3 मंथ में मीन्स आपका कंप्लीट सिलेबस का 40% कंप्लीट कर लेते हो। मीन्स पांचों सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का 40% कंप्लीट कर लिया जाता है। बट अब आपका इतना चीज़ नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं जो है फ्री में क्लास लूँगा। इसका भी मैं बहुत अच्छे से लिख कर लाया हूँ, मैं बताऊँगा। तो इसीलिए मैं फ्री क्लासेस ले रहा हूँ उन सभी एच एस स्टूडेंट के लिए जो लोग घर पे बैठे हैं। उतने दिनों में मैं आप लोगों का जितना भी चैप्टर होगा मैं अच्छा से कंप्लीट करवा दूंगा, हर एक चीज़ करवाऊंगा और लास्ट तक भी करवाते जाऊंगा। आप कोचिंग में पढ़ो या ना पढ़ो, वो आप करते रहो, बट अभी जब तक है आप मेरे चैनल को फुल्ली फोकस करो। एंड सभी 11 में जो है उन लोगों को शेयर कर दो जो 12 में जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट होने वाला है सभी के लिए। कोचिंग में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होता है, एक साल का आई थिंक 5000 रुपये आप लोग देते होंगे। हाँ, तो 5000 करके 15000 रुपये आपका एक साल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का फीस चला जाता है। बट वही पढ़ाई जो है टोटल 15000 रुपया जो जाता है, तो वही पढ़ाई जो है मैं आपको फ्री में यहाँ पर दूंगा और उससे भी अच्छा क्वालिटी दूंगा। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ये 3 मंथ बर्बाद ना करें, आप 3 मंथ अपना एचएस का जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दे, हिंदी इंग्लिश। और अभी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री जो है मैं अभी आप बताने वाला हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने। सबसे पहले देखो, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस का ही बता पाऊंगा। तो वीडियो रूटीन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर एचएस 2021 वालों के लिए मैं रूटीन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जो है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। मैं बोलूँगा आप सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है टेलीग्राम में वो 2 लाख लोग ऐड हो सकते हैं। मैंने जो ग्रुप बनाया उसमें शो कर रहा है कि 2 लाख ऐड हो सकता है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 250 लोग ही सिर्फ ऐड हो सकते हैं एक ग्रुप में। तो मान लो यहाँ पर मान लो व्हाट्सएप ग्रुप में 250 लोग चले गए, और एक मैं और व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें जो 2-3 लोग है, 2-3 लोग इस ग्रुप में चले गए, ग्रुप नंबर 2 में या ग्रुप नंबर 1 में, तो यहाँ पर तो डिस्कशन होगा ही, बट यहाँ पर ये 2 लोग अपने में क्या डिस्कशन करेंगे, तो आप समझ ही रहे हो। और कुछ लोग जो है थोड़ा मजाक करने के लिए इसमें भी ज्वाइन हो जाएंगे, ग्रुप 2 में भी ज्वाइन हो जाएंगे, जगह भर देंगे। तो इसीलिए मैं जो टेलीग्राम पे ऐप पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ टेलीग्राम में आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, मैं PDF भी सेंड कर सकता हूँ, वहाँ पर पोल भी कर सकता हूँ, क्विज भी ले सकता हूँ पोल के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें सभी लोग एक ही ग्रुप में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ना जाए, इधर उधर करने का किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद देखिए टेलीग्राम ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है। आप ऐप जब इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर पर, कुछ यहाँ पर स्काई कलर का रहेगा, नीला रंग का, और यहाँ पे कागज जैसा जहाज बना रहता है ना, कागज का जो जहाज बनाते हो कुछ वैसा रहेगा।
तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप टेलीग्राम को ही ज्वाइन करें। अगर किसी को व्हाट्सएप ग्रुप आप करना भी होगा तो आप कर लेना, हो सकता है किसी के मोबाइल में टेलीग्राम सपोर्ट ना करे, पुराना मोबाइल हो, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप को ही ज्वाइन करना। जो लिंक है फर्स्ट कमेंट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। डाउट सॉल्व होगा, वहाँ पे PDF होगा, वहाँ पे होमवर्क दूंगा, वहाँ पे क्विज भी होगा, वहाँ पे पोल कराऊंगा, ये सब कर होगा। उसके बाद देखिए जो मैं वीडियो दूंगा उसका लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ वीडियो ये बहुत जरूरी है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो जानना जरूरी होता है कि वो आप किस लेवल का पढ़ा रहा है, क्या वो आपके बोर्ड लेवल का पढ़ा भी रहा है या सिर्फ मतलब क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। तो देखो यार, अगर रेफरेंस लिया जाए एक, तो मान लो वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस इतना है, मीन्स इतना आप पढ़ोगे तो आप वेस्ट बंगाल बोर्ड कर लोगे, CBSE का इतना है, मान लो इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ोगे आप CBSE का भी कर लोगे, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो यहाँ तक पढ़ाऊंगा। तो देखो जो वेस्ट बंगाल बोर्ड है उनका तो मतलब पूरा कंप्लीट हो ही गया, देख रहे हो यहाँ पे आधा पे है वेस्ट बंगाल बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया, CBSE का है वो उसका भी कंप्लीट हो गया, उसके एवब भी मैं पढ़ाऊंगा ताकि एग्जाम में पेपर अगर हार्ड भी आ जाए, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए जो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, बट वो क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे, आप सॉल्व कर पाओगे, वो लेवल आपका होना चाहिए। साइंस में यही मैटर करता है कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जिसका होता है ना वो कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो आप समझ गए लेवल ऑफ वीडियो क्या होगा, बहुत ऊपर होगा, तो आप आराम से मेरे वीडियोज को देखकर सीख सकते हो, और मैं वीडियोज में बताता रहूंगा कि कौन सा वीडियो का कौन सा बुक में कौन सा चीज करना है। मैं होमवर्क भी दे दूंगा, आप जरूर से जरूर करना और डेडिकेशन के साथ करना, क्योंकि ये मत सोचना कि फ्री में है तो चलो जैसे तैसे पढ़ कर निकल जाऊँ। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि आप फ्री में है तो आप अच्छा से नहीं पढ़ पा रहे हो मेरे चैनल पर, तो आप मुझे पैसा पे कर दो और पढ़ो तब तो, क्योंकि कहा जाता है ना जहाँ लगता है धन वहीं लगता है मन, तो अगर मन लगाना है तो धन देना है तो दे दो, बट मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आप मन लगा कर ही पढ़ना। कोचिंग में जैसे तैसे पढ़ाएंगे सब वहाँ पे मन लगा कर पढ़ता है क्योंकि वहाँ पे पैसा दिया है इसीलिए। हाँ, तो और ये फ्री में क्वालिटी कंटेंट जब मिलता है तो लोग सोचते हैं कि चलो बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, तो ऐसे आपका बैकलॉग बढ़ते जाएगा और बोझ बढ़ते जाएगा, इसीलिए आज का पढ़ाई आज कंप्लीट कर लो, आज का वीडियो आज देख लो। हाँ, वीडियोज फॉर्म जो होगा वो पार्ट वाइज होगा क्योंकि साइंस में बहुत लंबा लंबा चैप्टर और एक चैप्टर होता है बड़ा बड़ा, तो हर एक का जो है 30 मिनट टू एक आवर के बीच में मैं वीडियोज को बनाऊंगा, 30 मिनट से एक आवर का होगा, पार्ट वन पार्ट टू करके आएगा और एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में जो है सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, तो मान लो सॉलिड स्टेट का एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो पार्ट वन पार्ट टू सब मिल जाएगा, जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए, बट जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उनका तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वीडियो को देख लेना। और मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, सभी जगह मैं वीडियो को शेयर कर दूंगा ताकि लोग देख पाए। और एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं उससे पहले करना चाह रहा हूँ कि ये जो है मैंने नहीं बोला है, वो एक्सपर्ट टीचर जो टॉपर से मैंने बात किया ये सब्जेक्ट का, तो वही बोल रहा है कि जैसे व्हेन माय चैनल क्रॉस 1K सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर अगर कंप्लीट हो जाता है मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल का एक थोड़ा यूट्यूब की तरफ से अलग ही कुछ मतलब माइलस्टोन बन जाता है कि आप 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हो। हाँ, तो क्या होगा, मेरा चैनल थोड़ा रैंक करना स्टार्ट हो जाता है, मींस चैनल थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, ग्रो होने लगता है इसके बाद। तो इतना आप सब्सक्राइबर अगर करवा देते हैं तो जो टीचर से मैंने बात किया वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट एंड टैक्सेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एडुकेशन, पोल साइंस एक्सेट्रा, आई थिंक कॉमर्स और आर्ट्स वालों का मैक्सिमम मेन सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ले ही लिया है, तो वो भी स्टार्ट किया जाएगा भाई एक्सपर्ट कोई टीचर या किसी टॉपर स्टूडेंट से जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो आप लोग जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो, जितना जल्द कराओगे उतना जल्द आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला ना 3 मंथ आप लोग घर पे ही बैठे रहोगे, तो आप जितना जल्दी ये करा दोगे, ये सब जो है वीडियोज बना बना कर मुझे सेंड कर देंगे। लॉकडाउन का पीरियड है बट वो मेरे घर तो आ ही सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो सिस्टम सपोर्ट उसको दे दूंगा, वो वीडियो बनाएगा और अपलोड मैं कर दूंगा। तो जितना जल्द आप कर पाओगे 1K कर दो, तो 3 मंथ में हो सके 10 दिन में कर दो, 20 दिन में कर दो। अगर आप लेट करोगे तो फिर आप मुझे मत बोलना कि सर आपने कॉमर्स और आर्ट्स वालों को क्यों नहीं ध्यान दिया। मैं ध्यान देना चाह रहा हूँ, बट मैं तो नहीं पढ़ा सकता ना ये सब्जेक्ट, बट जो पढ़ाएगा उसका भी तो कुछ डिमांड है, तो ये तो करना पड़ेगा। वो लोग भी, मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, समझो, मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता हूँ बट बता रहा हूँ, मैं तो आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बट वो लोग जो कुछ पैसा लेंगे, तो
तो कुछ पैसा लेंगे, तो आप समझ ही रहे हो उन लोगों को कुछ ना कुछ, एक चैप्टर पढ़ाएगा दो चैप्टर पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ अपना हिसाब से पैसा मांगेगा, तो वो मुझे देना होगा। बट आप लोग चिंता ना करें, आप लोग फ्री में पढ़े, वो मैं संभाल लूँगा अपना, जितना देना है नहीं देना है उस पर आप लोग ध्यान ना दें। उसके बाद वो प्लेलिस्ट फॉर ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट तैयार रहेगा, जो बाद में वीडियोज को देखेंगे प्लेलिस्ट खोल कर पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, जैसे ऊपर मैंने बताया ना पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके वो वीडियो को जो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जो है वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वो जो 30 मिनट से लेकर 1 आवर का वीडियो जो है वो लाइव चाहिए, हाँ जो वीडियो है वो लाइव चाहिए, लाइव में क्लास में पढ़ाऊंगा, आप कमेंट कर कुछ कुछ पूछते रहोगे, लाइव इंटरेक्शन होगा, या वीडियो जो है आपको वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और अगर मैं अपलोड करूंगा तो वो मॉर्निंग में 10 से 12 बजे के बीच में हो जाएगा, आप मान कर चलिए इन्हीं के बीच में हो जाएगा। तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि आपको जो है लाइव वीडियो चाहिए या वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, जिसका ज़्यादा कमेंट रहेगा जिसका पक्ष में उसको मैं कर दूंगा। तो उसके बाद जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेक नोटबुक कॉपी फॉर ईच सब्जेक्ट इज नेसेसरी, आपको एक इस तरह से कॉपी बना लेने हैं हर सब्जेक्ट के। मान लो आप मेरे ट्यूशन में आ रहे हो पढ़ रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट का अलग से कॉपी बनाना, उसमें सिर्फ मेरा ही कंटेंट को लिखना, जैसे देखो मेरा कॉपी है, तो इस तरह से आपको बनाना ज़रूरी है, इसको मजाक में नहीं लेना है। और जो लोग फर्स्ट वीडियो देखेंगे वो लास्ट वीडियो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट वीडियो देखे मन किया नहीं देखे, इससे आपका टाइम भी जाएगा दोनों जाएगा, इससे अच्छा आप वीडियो को देखो ही नहीं, क्योंकि आधा ज्ञान और ख़तरनाक होता है, पूरा ज्ञान लो। तो देखो उसके बाद मैं रूटीन भी बनाया हूँ, तो आप देख लो कि मैं अपने हिसाब से रूटीन को बनाया हूँ, कि मंडे को जो है फिजिक्स में पढ़ाऊँगा, जैसे PCM बोला जाता है ना साइंस में, तो उसी के अनुसार मैंने सजाया है। वेडनेसडे को मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा एंड फ्राइडे को मैथ पढ़ाऊँगा। तो लाइव या वीडियो जो भी है आप कमेंट कर देना उसके हिसाब से, अगर वीडियो होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है कि 10 से 12 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। मैं बहुत ही इंटरैक्टिव वे में पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ अगर प्रैक्टिकल कुछ सामान लेकर दिखाना होगा ना, जैसे सॉलिड स्टेट में वॉइड दिखाना होता है तो बॉल्स लेकर मैं दिखाऊंगा, ये देखो ऐसा वॉइड बनेगा, आप उसे घर पर भी प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो ऐसा मतलब मैं फ्री में आपको ऐसा पढ़ाई देने वाला हूँ, तो आप समझो। और जो सैटरडे और संडे है, और जो सैटरडे संडे उसमें मैं इंग्लिश हिंदी का वीडियो डाल दूंगा, इसका बहुत वीडियो डाला हुआ हिंदी इंग्लिश का, आप जाकर देखो, इसीलिए जो है मैं इसको सैटरडे और को डाल दूंगा। उसके बाद कोई मोटिवेशन का वीडियो डाल दूंगा, कोई स्ट्रेटजी का वीडियो डाल दूंगा, 90% मार्क्स कैसे लाना है आपको, ट्रिक्स एंड टिप्स दे दूंगा फॉर मेमोराइजेशन, केमिस्ट्री में जैसे ग्रुप के एलिमेंट को याद कैसे करना है, कोई भी बहुत लंबा चीज़ याद करना हो तो उसका कोई ट्रिक होता है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप जानती हो कितना याद करना होता है, तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक मैं आपको दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये देखो रूटीन है, अगर इसमें आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जो है आप वीडियो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, ऐसा कुछ मतलब कमेंट करना। उसके बाद देखो फर्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मींस आपको 15 अप्रैल तक जितना जो उनको जानते हैं सबको शेयर कर दो कि 15 तारीख वेडनेसडे मैं मतलब मैं पहला केमिस्ट्री का वीडियो डाल दूंगा। तो वेडनेसडे से 15 तारीख को क्लास हो रहा है, बिफोर डैट ऑन जैसे मंडे के दिन क्या करूंगा मैं सिलेबस ऑफ जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं केमिस्ट्री का सिलेबस आपके सामने लाऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कम से कम पता होना चाहिए, और कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स कंटेन कर रहा है, इतना मार्क्स का आपका एग्जाम में आता है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं एक वो वीडियो भी डालूंगा, तो वो मैं बीच में डाल दूंगा, जैसे केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा पहले तो मैं पहले केमिस्ट्री को डाल दूंगा मंडे के दिन, फिर उसके बाद फिजिक्स बीच में डाल दूंगा सिलेबस, और फिजिक्स का वीडियो फिर आ जाएगा आपका मंडे को दिन, नेक्स्ट मंडे जो आएगा उसके बीच में मैथमेटिक्स का पहले डाल दूंगा, तो ऐसा करूंगा, और उसके बाद एक और वीडियो डालूंगा, और जो है एक वीडियो में और डालूंगा कि हाउ टू गेट 90% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ये जो है ना आपको स्टार्टिंग से जान लेना होगा कि क्योंकि देखो स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ही 90% मार्क्स आएगा, जैसे जैसे डिले करोगे आपका परसेंटेज घटते जाएगा, जैसे मान लो डिले की 89%, डिले की 80%, फिर डिले करोगे तो 70%, इसीलिए स्टार्टिंग से पढ़ो ताकि आप भी ये जो है मैजिक फिगर 90% का या 95% का प्लस आप पा सको। तो ये भी मैं वीडियो डालूंगा हाउ टू गेट 90%, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, हिंदी इंग्लिश को कैसे टैकल करना होता है, कैसे उसमें भी आप 90 प्लस पाओगे,
तो ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो आप कोचिंग में चाहते हो कि मैं जानता हूँ मैक्सिमम क्या मतलब 95% कोचिंग्स वाले जो ये सब कुछ भी नहीं बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होता है, 90% प्लस मार्क्स कैसे आता है, कुछ नहीं। वो जब वो सिर्फ पढ़ाते हैं और पैसा लेते हैं पढ़ाते हैं, उसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ भी कुछ ऐसा ही था वो। हाँ तो मैक्सिमम टीचर जो है ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे, बट मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बार बार बोल रहा हूँ कि आप इसे मजाक में ना ले, फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा चीज़ मैं बताऊँगा आपको, थ्योरी कंसेप्ट ये सभी चीज़ बताऊँगा। तो आप जो है चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, पार्ट वाइज हर एक वीडियोज को देखें, और कमेंट में आप ये भी बता दें कि ये जो शेड्यूल मैंने बताया है, मंडे को फिजिक्स, वेडनेसडे को केमिस्ट्री, फ्राइडे को मैथमेटिक्स, तो आप जानते ही, अगर ये शेड्यूल फॉलो करूँगा तो इसका कुछ वीडियोज आएगा, फिर मैथ का आएगा, फिर फिजिक्स का आएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो बता देना। और एक है कि सर आप पहले जो है ना केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करो, जैसे सॉलिड स्टेट स्टार्ट किए तो वो कंप्लीट करने के बाद ही फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कीजिए, फिर मैथ का कीजिएगा। तो आप देखो जैसे बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा, ऐसे भी पढ़ा दूंगा। अगर सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है एक साथ पैरेलल में, और अगर एक चैप्टर करके पढ़ना है तो वो भी बता सकते हो। हाँ देखो यार, मैं एक अकेला 5 सब्जेक्ट को हैंडल कर रहा हूँ। आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़ रहे हो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, और साल भर लगा देते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने में, और मैं 5 सब्जेक्ट को हैंडल करूँगा। तो आप समझ सकते हो मेरे ऊपर कितना लोड हो गया है और कितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, जो कि मुझे अच्छा लग रहा है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हुए। कुछ लोग इससे दूर भागते हैं, बट मुझे अच्छा लग रहा है फ्री में पूरा सभी को कंटेंट देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतने दिनों में आप पढ़िए, जितना भी है आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर का जो मैं बता रहा हूँ वो मार्च में हो जाएगा, डिले नहीं होने वाला है। तो आप अभी का जो 3 मंथ है उसको आप बर्बाद ना करें, ऑलरेडी आपका 1 मंथ के लगभग बर्बाद हो चुका है आई नो, बट जो 11 में था उसको मैंने बता दिया था, आप हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहो, 60% 70% हिंदी इंग्लिश आप अभी कंप्लीट कर लो, एंड वो लोग कर भी रहे हैं। और एक स्टूडेंट तो मुझे बोला कि सर मैंने आपका सारा वीडियो देख कर याद भी कर लिया, तो मतलब कितना खुशी हुई। और वो आप ही समझ सकते हो वो अब आप लोगों से आगे निकल चुका है। तो अब आप लोग अपने आप को डिसाइड करो कि आप लोग टाइम का इंतजार करोगे कि आप लोग सबसे आगे निकल कर अपना लाइफ का अच्छा परसेंटेज एक बनाओगे। तो वो स्टूडेंट को अगर वो बोल रहा है कि सर आप एग्जाम लीजिएगा तो हिंदी इंग्लिश में 70 पा जाएंगे अभी, तो अभी तो उसके पास 10 महीना बाकी है। हाँ जो 3 महीना बर्बाद कर देंगे उसके पास 7 महीना बाकी होगा, बट उसके पास अभी 10 महीना बाकी है, तो वो आराम से जो है इसमें तो मतलब 95 मैं इसका करवा ही दूंगा, हाँ हिंदी इंग्लिश में। तो इसी तरह से आप लोग को भी आगे रहना है, वीडियोज को सभी के साथ शेयर कर दो यार, भलाई करो। ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है ना, कोरोना वायरस, इसमें जो एक दूसरे का भलाई करने का टाइम है अभी, जैसे मैं आपका भलाई कर रहा हूँ, तो उसी तरह से बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे। एक स्टूडेंट अकेला नहीं रहता, उसके 10-15 फ्रेंड होते ही हैं। हाँ तो आप सभी को बता दो कि यहाँ पर जो है पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर सभी लोग आओ पढ़ो, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, ताकि सब कॉम्पटिशन माहौल भी बने। मैं क्वेश्चन शेयर करूँगा, आप लोग आपस में आंसर करोगे, जो गलत करेगा उसको आप ही लोग समझाओगे कि यार यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, सर ने ऐसे बताया था, वहाँ पे ऐसे होगा, तो ही मजा आएगा। आप सोचो कि अकेले अकेले सब कुछ कर लूँ तो उससे ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है। ये समय है कि सभी का हेल्प करो, अगर आप आपका किसी का हेल्प करते हो तो आपका हेल्प खुद होगा, भगवान करेगा, नेचर आपका हेल्प करेगा। तो बस यही कुछ बातें बतानी थी। और नेक्स्ट ईयर पेपर हार्ड है या इजी है उस पर नहीं जाना है, क्योंकि अगर पेपर इजी भी आ गया तो भी लोग फेल करेंगे नेक्स्ट ईयर, अगर पेपर हार्ड भी आता है तब भी 90% बहुत लोग पाएंगे। तो हार्ड और इजी आप खुद समझ लेते हो, पेपर हार्ड इजी कभी भी नहीं होता, एग्जामिनर से किसी की दुश्मनी नहीं होती है। तो बस यही कुछ बताना था, देख लो। और आप लोग बस वेडनेसडे के लिए तैयार हो या नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं कि यस सर आई एम रेडी वेडनेसडे के लिए, केमिस्ट्री के लिए मैं तैयार हूँ, फर्स्ट चैप्टर आई सॉलिड स्टेट से मैं स्टार्ट करूँगा। उससे पहले जो है एक दिन पहले मैं इसका सिलेबस बता दूंगा, क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कब किसको पढ़ना है, किसका मार्क्स कितना है, सभी सब्जेक्ट का बता दूंगा। तो चलिए इतना ही बताना था। सो आई एम आकाश साहू साइनिंग ऑफ।
ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए। घर में रहे, सेफ रहे, बचे रहे, हाथ धोते रहे, मास्क पहने रहे, घर से निकले नहीं, घर में ही खेले कूदे और मेरे वीडियोज के थ्रू अपना जो है फ्री में बहुत अच्छे से बहुत हाई लेवल को करें, मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा हो, आप लोग का सक्सेस मेरा सक्सेस है और आप जल्दी से जल्दी जो है चैनल को, ये चीज जो मैंने बताया था 1000 सब्सक्राइबर ये सब अगर आप करवाते हो तो ये सब भी मैं स्टार्ट कर दूंगा, ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो आप लोग देखिए, ये जल्द से जल्द कीजिए, बस ये इतना ही बोलना था। एक बार वीडियो को और देख ले और सभी लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को करो या मत करो, बट टेलीग्राम को ऐसा ऐप डाउनलोड करो और लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्ट मेरे ग्रुप में चले आओगे। ग्रुप का नाम भी यही है, इंग्लिश हिंदी विद आकाश साहू, जो चैनल का नाम है वही नाम मैंने रखा है, लोगो भी देखना, फोटो भी वही रहेगा। तो आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, और जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं कर पाएंगे वही व्हाट्सएप ग्रुप को करना, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ सभी को। चलिए आई एम आकाश साइनिंग, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि स्टूडेंट को कैसा चाहिए, क्योंकि आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ही मैं आगे कुछ करूंगा, तो आप जरूर बताएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा एंड बाय बाय।